रावत सर रुकिएगा जरा, एक प्रबंधन से बात करते हैं, बैंक पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें मुनाफा जो है 44% से ज़्यादा फिसला है भाई भाई। हालांकि ब्याज से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिली करीब 18% की, एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कैसे रहे नतीजे और आगे क्या ग्रोथ पाथ दिख रहा है, क्रेडिट ग्रोथ कैसी है, लिक्विडिटी सिचुएशन कैसी है, इस पर बातचीत करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अतुल कुमार गोयल जी से। अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। धन्यवाद नीरज जी। जी सर, रिजल्ट्स में मुझे ये समझाइए पहले तो ये कि सर क्रेडिट ग्रोथ जो है वो बहुत ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। मैं नहीं ठीक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉरपोरेट ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से नहीं है सर, क्यों? देखिए नीरज जी, क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखें 13.43% है YOY दिसंबर 2022 के रिजल्ट में। अगर इसका फर्दर ब्रेकअप देखें तो ये रिटेल में अगर देखते हैं तो लगभग 33% ग्रोथ थी और हाउसिंग लोन में 9% थी। आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कॉरपोरेट में, अभी कॉरपोरेट में भी डिमांड आ रही है, कॉरपोरेट में भी ये 10% से ऊपर है हमारे बैंक की ग्रोथ। जो कॉरपोरेट में जिन लोगों को हमने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करी थी पीछे वो नहीं यूज कर रहे थे ऑन अकाउंट ऑफ द पेंडेमिक एटसेट्रा, तो अभी वो यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। दूसरा नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे स्टील इंडस्ट्री में कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां से डिमांड आ रही है, सीमेंट इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वहां से डिमांड आ रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिमांड है, रोड के बहुत प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी डिमांड है, और NBFC में भी बहुत डिमांड है। NBFC में अगर आप हमारे बैंक का एक्सपोजर देखें 1,27,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है। लास्ट टाइम हमने काफी एक्सपोजर लिया NBFC में, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आउट ऑफ 1,27,000 में से Above rated externally 98% है, all the companies are doing very good. सर जो क्वार्टर क्वार्टर नंबर है ना वो बहुत इनकरेजिंग मुझे नहीं लग रहा, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। एग्री फूड का हो, MSME का हो, या इवन कॉरपोरेट का, हमने बातचीत की, ड्राइव कौन कर रहा है? रिटेल, यानी जहाँ पे कंजम्पशन की स्टोरी बनती है। अब कंजम्पशन ड्राइव तो हो रहा है, रिटेल ड्राइव कर रहा है, जिसमें हाउसिंग लोन आप देखिए क्वार्टर क्वार्टर 2.3% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है सीक्वेंसली। क्या ये मान के चलना ठीक होगा या आप एनालाइज करके बताएं मुझे कि अब थोड़ा सा सीक्वेंसली ग्रोथ स्लो हो रही है कंजम्पशन की? नहीं, कंजम्पशन की ग्रोथ ऐसा नहीं है कि स्लो हो रही है, क्योंकि लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, कंजक्शन की डिमांड भी आ रही है, और क्वार्टर टू क्वार्टर भले ही कम है बट ये जो है अभी नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो और इसमें इजाफा होगा, क्योंकि कॉर्पोरेट से भी अच्छी डिमांड हो रही है। और बैंक का जो मेन फोकस है ना वो रैम पे ही है, अगर आप देखें तो रैम हमारा 54% है टोटल लॉन्ग बुक का, और इसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं 55%। तो आपका जो ये कहना था कि बहुत सारे लोगों के जो रिटेल के बहुत सारी जो है NBFC कर देते हैं, NBFC की इसीलिए ज्यादा डिमांड है कि जिनको हम नहीं दे पाते हैं उनको NBFC लोन देती है, और ये डिमांड बढ़ने वाली है नेक्स्ट क्वार्टर में भी। सर NIM तो बहुत बढ़िया है लेकिन रिटर्न रेशियोज बहुत वीक है, रीजन? देखिए NIM तो अगर आप देखें कि 9,000 से वो ऊपर इस क्वार्टर की आई है, कि इंडस्ट्री में भी अगर और बैंकों से भी आप करेंगे तो बहुत बेहतर है। केवल जो रीजन है आप हमारा कम होने का रिटर्न का वो था प्रोविजन, प्रोविजन अगर आप देखें तो थोड़ा उसमें इजाफा हुआ इस क्वार्टर में 3,908 करोड़ रुपए, उसमें इजाफा इसलिए हुआ कि ये तीन तरह से प्रोविजन का कारण तीन होता है, एक तो आपके स्लिपेज क्या है उस पर बनेगा, और जो आपका एजिंग प्रोविजन है, एजिंग प्रोविजन में मैं बताना चाहूंगा कि जो D1, D2, D3 में होते हैं हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट है 25%, 40% होती है 100%, बट अगर उसमें सिक्योरिटी डाइल्यूशन हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वो अनसिक्योर्ड पे 100% बनाना पड़ता है, इसीलिए हमारा इस क्वार्टर में ज्यादा आया। तो ये क्रेडिट कॉस्ट जो पूरे साल की है अभी ये 2% से कम रहेगी, और नेक्स्ट ईयर 23-24 में ये जो है 1.5% से भी कम होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो 85% से भी ऊपर हो गया है अभी। सर ये जो एसेट क्वालिटी है ये क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ इसमें स्लिपेजेस बढ़े हैं क्या? जो आप कह रहे हैं एजिंग वाले में इंप्रूवमेंट है, लेकिन कोई नया इशू है क्या?
क्वार्टर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, मैं आपको बताता हूँ, जून क्वार्टर में हमारी स्लिपेज थी 6,500 करोड़ रुपए की, सितंबर क्वार्टर में ये 6,000 से कम हुई है, और दिसंबर क्वार्टर में आप देखें तो ये 4,000 के आसपास है लगभग, तो ये बराबर कम होती जा रही है स्लिपेज हमारी। जो प्रोविजन जो बताया मैंने, प्रोविजन था कि कुछ जो D1, D2, D3 में उसमें सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो गई थी, तो उसमें अनसिक्योर्ड पे जितना 100% बनाना पड़ता है उस वजह से था, अदरवाइज स्लिपेज कम हो रही है। ग्रोस एनपी नेट एनपी भी नंबर आप देखो क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रहे हैं। हमने लास्ट टाइम गाइडेंस दी थी कि ग्रोस एनपी हमारा जो है 9.5 होगा 23 तक, तो हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, 9% की दे रहे हैं, क्योंकि 9.76 तो हमारा पहुंच गया। सिमिलरली नेट एनपी नंबर भी जो हमने 3.5 की गाइडेंस दी थी 3.3 पे हम पहुंच गए, तो ये लेस देन 3 होगा बाई मार्च 23। सर आपकी डिपॉजिट ग्रोथ भी काफी बढ़ रही है, हालांकि क्वार्टर क्वार्टर उतना ज्यादा नहीं है, क्या सिचुएशन है लिक्विडिटी की? लिक्विडिटी देखिए पीएनबी में कोई इशू नहीं है, 10,000 ब्रांचे हैं, 16 करोड़ कस्टमर हैं, और लगभग हमने 64 लाख नए खाते खोले हैं 1 अप्रैल से लेकर आज तक सेविंग बैंक में, तो उसमें भी अमाउंट आएगी तो 7-8% हमारी कैट की ग्रोथ है, और जो है 13-14% कैट ग्रोथ है, तो अभी हमारे पास बहुत सारी एक्सेस है सलाह भी है, तो लिक्विडिटी इज नॉट ए इशू इन दी पंजाब नेशनल बैंक। डिपॉजिट रेट बढ़ाए सर आपने क्या अभी? आप डिपॉजिट रेट बराबर देखिए, इट हैज टू बी मार्केट के जो बाकी लोग दे रहे हैं तो उसमें भी हमारा भी अटपार है, बाकी सभी बैंकों में बढ़ाए हमने, बिल्कुल बढ़ाए जी। गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए पंजाब नेशनल बैंक के। गोयल साहब, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बहुत सारे लोग अलग अलग सेक्टर्स के तमाम उम्मीदें लगा के बैठे हैं। गोयल साहब, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है बजट पे, क्या हो सकता है, क्या आपकी इच्छा की होना चाहिए? नीरज जी देखिए, बजट तो अभी 1 तारीख को आने वाला है जी, तो हम तो यही कहते हैं कि बजट जो है ये पॉजिटिव बजट होगा, सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जैसा कि प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है, तो ये बजट तो पॉजिटिव होगा जी जी। अच्छा गोयल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये आजकल अडानी ग्रुप की बड़ी चर्चा हो रही है, इसमें आप लोगों का एक्सपोजर क्या है या नहीं है, वॉट एवर? देखिए धीरज जी, हमारा एक्सपोजर अडानी ग्रुप में केवल 7,000 करोड़ है, हमारी टोटल लोन बुक है 8,50,000 करोड़ की, इसमें 7,000 करोड़ का एक्सपोजर है, और इन्वेस्टमेंट में केवल अराउंड 40 करोड़ के आसपास है, और इसमें फंडेड एक्सपोजर जो है 6,300 करोड़ है, उसके अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ओनली 3,500 के आसपास है, और 700 करोड़ रुपए नॉन फंडेड एक्सपोजर है। तो अभी जो है जो भी हमारे पास एक्सपोजर है लगभग 9-10 कंपनियों में, सब में जो है पेमेंट बराबर है, और कैश जनरेटिंग असेट्स है, उसमें कोई मेरे ख्याल से इशू नहीं है हमारे लिए। ओके, प्रॉपर रिपेमेंट हो रहा, कोई इशू नहीं, कैश जनरेटिंग एसेट्स में दिया है। गोयल साहब भी हमें आश्वस्त करें। गोयल सर, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको, अगले क्वार्टर में हम लोग फिर से बातचीत करेंगे, देखें क्या स्थिति बनती है, और उम्मीद करते हैं कि बजट जैसा कि आप करें कि अच्छा ही होना चाहिए सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।